हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 हिंदी मीडियम फिजिक्स का जो हमारा धारा विद्युत का टॉपिक चल रहा है उसका फोर्थ पार्ट। आपने धारा विद्युत के स्टार्टिंग 3 पार्ट को देखा होगा, तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर किया हुआ है। और आज हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसमें बेसिकली हम एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, प्रयोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है, वो दोनों प्रयोग और सेलों के समूहन को हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा धारा विद्युत का 4th पार्ट है। आप में से जितने स्टूडेंट्स यदि शुरू के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको मेरा सजेशन है कि उनको आप पहले देखिए, क्योंकि फिजिक्स का कोई भी टॉपिक आपको स्टेप बाय स्टेप ही समझ में आएगा। तो 3rd पार्ट के वीडियो में हमने पढ़ा था किरचाफ का नियम और किरचाफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु। तो जब किरचाफ का नियम आया तो किरचाफ के नियम के बेस पर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आया, मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। और जब व्हीटस्टोन का सिद्धांत आया, व्हीटस्टोन सेतु आया, तो उसकी सहायता से एक उपकरण बनाया गया और उस उपकरण को हम कहते हैं मीटर सेतु। तो आज हम पढ़ेंगे मीटर सेतु, मीटर ब्रिज, मीटर सेतु, इंग्लिश में अपन कहेंगे मीटर ब्रिज। अब यहां पर देखिए कि मीटर सेतु ये है क्या। एक्चुअल में ये एक डिवाइस है, ये उपकरण है, और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इसका उद्देश्य है अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। हम ये हमारे एक्सपेरिमेंट के भी सिलेबस में होता है और थ्योरी एग्जाम में भी आता है। तो अज्ञात तार का प्रतिरोध हम इसकी सहायता से ज्ञात करते हैं, और प्रतिरोध ज्ञात होता है तो प्रतिरोधकता भी ज्ञात हो जाता है। उसको लास्ट में आपको समझाऊंगा मैं, क्लियर। तो उद्देश्य समझ में आ गया उपकरण का, मीटर सेतु की सहायता से हम किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अब हम देखते हैं इसका सिद्धांत कि भाई ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका कार्य करने का सिद्धांत है व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन जो हमने पहले पढ़ा है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। जब आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे या जब आप नोट्स बनाएंगे तो यहाँ पर आप व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर। सबसे पहले लिखेंगे मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। कई स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं। तो एक्चुअली मेरे चैनल में मैंने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो अपना खुद का लिखा हुआ नोट्स प्रोवाइड कराया है, लेकिन मैंने हिंदी मीडियम में अपनी हैंड राइटिंग से कोई नोट्स नहीं बनाया है अभी तक। फ्यूचर में यदि टाइम मिले तो कर सकता हूँ, लेकिन इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग नोट्स बनाने के लिए मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिए। ये जो मैं बोर्ड वर्क करता हूँ उस बोर्ड वर्क को आप बार बार वीडियो देख के, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। जब मेरा बोर्ड कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके क्या है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, और थोड़ा बुक का हेल्प ले लीजिए, तो धीरे धीरे आपको नोट्स बनाना आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको हेल्प करूँगा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ ये लिखना है, उसके बाद आप सिद्धांत लिखोगे। जैसे ये क्वेश्चन किस तरह से बोर्ड एग्जाम में आएगा, मीटर सेतु की सहायता से किसी अज्ञात तार के प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि का वर्णन कीजिए, या की विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। इस तरह से सभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न ऐसा ही है। तो जिसमें पहला पॉइंट रहेगा क्या, सिद्धांत। तो पहला पॉइंट सिद्धांत में क्या लिखेंगे आप कि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात करके आप उसको पूरा एक्सप्लेन करोगे। क्या कि जो मैंने आपको व्हीटस्टोन सेतु में सिद्धांत में बताया, ओनली आप उसका कथन लिखोगे। मतलब क्या लिखोगे, यदि 4 प्रतिरोधों को
किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, उसके एक विकर्ण पर धारामापी तथा दूसरे विकर्ण पर सेल लगाया जाए, और जब धारामापी शून्य विक्षेप की स्थिति में हो, अर्थात सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तो प्रथम दो भुजा में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजा में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। दैट मीन्स पी अपान क्यू इक्वल टू आर अपान एस। यहाँ तक आप इसके सिद्धांत को लिखोगे, इसको प्रूफ नहीं करोगे, ऐसे नोट्स बनाओगे आप, 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे ये लॉन्ग आंसर में पूछता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है। सेकंड नंबर के पॉइंट में आपको बनाना है इसका परिपथ। परिपथ मतलब इसका सर्किट। तो यहाँ पर अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये उपकरण होता कैसे है जिसका हम परिपथ बनाएंगे। तो ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है वह क्या होता है, एक उडन प्लेट पर, लकड़ी के प्लेट पर टाइट होता है। तो लकड़ी के प्लेट को हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, लकड़ी के प्लेट में सपोज इस फ्रेम को हमारे बोर्ड को आप लकड़ी का प्लेट समझ लीजिए, तो उसमें इस तरह का एक चालक तार का एक किनारे पर ये एल आकार का एक पट्टी लगा होगा, ये एल शेप का, उसके बाद कुछ गैप होगा, थोड़ी दूर पर ये आपको इस तरह से स्ट्रेट पट्टी मिलेगा, और फिर थोड़ी दूर पर आपको फिर एक एल आकार का इस तरह से पट्टी मिलेगा, जो कि एक लकड़ी के फ्रेम पर पूरा टाइट होगा। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप, इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, ये मैं बना दिया, वैसे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये अब यहाँ पर एक नट बोल्ट होता है, स्क्रू टाइट करने की व्यवस्था होती है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, और यहाँ होता है, यहाँ होता है, और यहाँ, ये जितना पॉइंट मैंने बताया वहाँ पर स्क्रू टाइट करने के लिए जगह होता है। क्लियर। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में एक तार 1 मीटर का लगा होता है, ए बी, ये यहाँ पर एक तार लगा हुआ है, ये ठीक 1 मीटर का होता है, और इसी के कारण इसको हम क्या कहते हैं, मीटर सेतु कहते हैं। क्योंकि इसमें हम 1 मीटर लंबाई का तार यूज़ करते हैं, इसलिए इस उपकरण का नाम वैज्ञानिकों ने क्या रखा, मीटर सेतु रखा। क्लियर। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो होता है वहाँ हम एक कनेक्शन लेते हैं, तार लगाते हैं, और इसमें एक लगाते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, ये इसका संकेत है, कुछ डॉट ऐसे लगा देते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स या प्रतिरोध बॉक्स कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं उसको RB, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स। तो ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, यह एक परिवर्ती प्रतिरोध मेंटेन करता है, एक बॉक्स जैसा होता है, इसमें बहुत सारे की लगे होते हैं, आप किसी की को जब ओपन करेंगे तो उस की के पास जितना ओम लिखा रहेगा, सपोज मैं किसी की को निकाला, तो की को निकाला तो उस की के पास में 10 ओम लिखा हुआ है, तो फिर ये क्या करेगा, 10 ओम का प्रतिरोध क्रिएट करेगा। क्लियर। इसके बाद बीच वाले से हम एक तार लेते हैं, और इस तार में हम लगा देते हैं एक धारामापी, ये गैल्वेनोमीटर, और इसका संबंध कर देते हैं एक जॉकी, ये जे है, जे फॉर जॉकी, और जॉकी कैसे होता है, जॉकी जैसे मैं ये चाक होल्डर रखा हूँ वैसे ही होता है, जैसे मेरा चाक यहाँ निकला हुआ है वैसे नुकीला यहाँ पर एक चालक तार निकला रहता है, चालक पॉइंट, और पीछे से हम ला के तार को इसमें ज्वाइन कर, इसको आप जॉकी समझ लीजिए। तो जॉकी ऐसे ही होता है इस तरह से, और इससे हम इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं। अब ये जो होता है यहाँ पर हम लगाते हैं उस अज्ञात तार को जिसका हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है, मान लो एस, ये अज्ञात तार है, इसी का हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक तार लेंगे और यहाँ पर एक की लगाएंगे, की के साथ एक बैटरी लगाएंगे, एक बैटरी लगा देते हैं, और इसका संबंध इस तरह से हम कर देते हैं। क्लियर। तो ये यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है, सपोज ई एक बैटरी है। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हमको यहाँ पर प्रयोग को समझना है, प्रयोग विधि एग्जाम में नहीं आता, जनरली किसी भी बोर्ड में प्रयोग विधि को एग्जाम में, इवन हम जब प्रैक्टिकल एग्जाम भी देते हैं स्कूल में, तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट का मेथड नहीं लिखा जाता, फिर भी वो तो हमको आना चाहिए,
क्योंकि जब तक हमको मेथड नहीं पता हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। और बाय द वे कभी एग्जाम में पूछ भी दे तो चूंकि आपने उसको सीखा है समझा है तो अपने शब्दों में उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ अब आपको समझाता हूँ कि इसमें प्रयोग कैसे करते हैं। तो प्रयोग करने का हमारा तरीका क्या है, सबसे पहले हम सारे स्विच बहुत अच्छे से टाइट कर देते हैं, ये सर्किट में आप जहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इस स्विच को ऑन करते हैं के को, तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। उसके बाद इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम कुछ प्रतिरोध निकाल लेते हैं, 10 ओम 15 ओम कुछ भी हम प्रतिरोध निकाल लेते हैं। प्रतिरोध निकालने के बाद ये जो आप जाकी देख रहे हैं, इस जाकी को हम इस तरह से पकड़ते हैं और इसके पॉइंट को इस कॉर्नर पर टच करते हैं, यहाँ पर इस कॉर्नर में। तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर जो लगा होता है, गैल्वेनोमीटर वास्तव में सामान्य उदासीन स्थिति में इसका जो नीडिल है वो जीरो में होता है, ये जीरो में होता है। अब यदि हम इस पॉइंट को यहाँ ले जा कर टच करते हैं तो यहाँ ले जा कर टच करने से इस पॉइंट का सपोज विक्षेप बाएं तरफ होता है, मान लो उसका विक्षेप क्या होता है, बाएं तरफ होता है। अब उसके बाद हम यहाँ से उठा के इसको यहाँ पर टच करते हैं, जब इसको हम यहाँ पर टच करते हैं दूसरे एंड में दूसरे सिरे में टच करते हैं तो इसका विक्षेप विपरीत दिशा में होना चाहिए, बाएं हुआ था तो दाएं होना था होना चाहिए और पहले दाएं हुआ रहेगा तो बाद में बाएं होना चाहिए, दोनों में से किसी भी तरह हो सकता, उल्टे दिशा में होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तभी हमारा क्या है, यह जो सेतु है वह संतुलन की स्थिति में है। बाय द वे आप जब प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोग करते समय यदि आपने इसको बाएं तरफ टच किया और बाएं तरफ टच करने से इसका विक्षेप बाएं तरफ है और यहाँ जब इसको टच किया तब भी बाएं तरफ है, अरे मेरी बात समझ में, मतलब दोनों सिरे में टच करने पर उसका विक्षेप एक ही ओर हो रहा है, या तो सिर्फ बाईं तरफ हो रहा है या तो सिर्फ दाईं तरफ हो रहा है, तब आपका सेतु संतुलन की स्थिति में नहीं है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको इस रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ और रेजिस्टेंस निकालना होगा और इस तरह से इस प्रयोग को आप बार बार दोहराएंगे, तब तक दोहराएंगे जब तक इसका विक्षेप दोनों ओर न हो जाए, क्लियर। और ऐसा हो जाने के बाद हमारा सेतु क्या है, संतुलन की स्थिति वाले पोजीशन में आ गया है। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को आगे कैसे बढ़ाएंगे, देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इस जॉकी को यहाँ टच करके धीरे 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 हल्के हाथ से इसको तार में टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर जो यहाँ पर जीरो है, यदि वो बाएं तरफ विक्षेपित हुआ था तो क्या होता है, यह रिटर्न आना शुरू हो जाता है, और यदि दाएं तरफ हुआ रहता है तो भी मतलब जीरो के तरफ क्या आएगा, वापस आएगा। तो अब इसको टच करते करते जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो स्विच वापस जाते जाएगा और धीरे 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 सपोज इस पॉइंट पर ये जे बिंदु पर पहुँचने के बाद ये क्या हुआ, अपने जीरो वाले कंडीशन में वापस आ गया, ये जीरो में आ गया। जीरो में आ गया मतलब सेतु का वह संतुलन बिंदु है, क्योंकि इस बिंदु को टच करने पर गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हमारा ब्रिज क्या हो गया, संतुलन की स्थिति में आ गया। क्योंकि व्हीटस्टोन ने बताया था कि यह सिद्धांत तभी लागू होगा जब हमारा सेतु क्या हो, संतुलन की स्थिति में हो, तब हम प्रयोग को रोक देंगे और सपोज यहाँ से यहाँ तक तार की लंबाई सपोज एल है, क्योंकि वास्तव में इस तार के जो नीचे में क्या होता है, मीटर सेंटीमीटर का निशान लगा हुआ एक स्केल होता है, तार के जस्ट साथ में लगा हुआ ऐसा स्केल होता है। तो हम यहाँ से यहाँ तक तार की लंबाई मान लो एल वो माप लेते हैं, तो जे से लेकर बी तक तार की लंबाई कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल हो जाएगा, क्योंकि हमारा तार टोटल कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक यदि एल सेंटीमीटर है तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट एक्सपेरिमेंट का मेथड है। अब हम करेंगे प्रतिरोध की गणना। तो छोटा सा फार्मूला अपन देखिए, अब
अब हम इसकी गणना करते हैं, प्रतिरोध की गणना। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि इस तार ए बी के इकाई लंबाई का प्रतिरोध एक्स है। यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना कि तार के इकाई लंबाई, इकाई मतलब एक इकाई लंबाई का प्रतिरोध एक्स है, कि हमने मान लिया। तो सपोज इसके इकाई लंबाई का प्रतिरोध एक्स है, तो ए से जे तक तार की लंबाई कितना है, एल। तो इकाई का प्रतिरोध एक्स है, तो एल लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, एल इंटू एक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे तार ए जे, ए जे मतलब ए से जे, ए जे का प्रतिरोध, इसका जो प्रतिरोध होगा जिसको हमने P कह दिया, मान लो ये P है, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, L इंटू एक्स, इकाई का x, तो L लंबाई का L इंटू एक्स। तथा तार BJ, BJ मतलब देखो B से लेके J तक, तो B से लेके J तक तार BJ का प्रतिरोध, यदि हम इसका प्रतिरोध लिखना चाहें, इसको हमने क्या कह दिया, Q, तो बराबर हो जाएगा 100 माइनस L इंटू एक्स। ये हमको निकल गया P और Q। इसके बाद लिखेंगे, इसलिए व्हीटस्टोन के सिद्धांत से, अब जो हमने सिद्धांत यूज़ किया है वहाँ से, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या कहता है, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, दैट इम्प्लाइज, अब सभी मान को हम यहाँ पर भर देते हैं, तो P का मान कितना है अपने पास, L इंटू एक्स, अपॉन Q का मान कितना है अपने पास, 100 माइनस L इंटू एक्स इक्वल, ये R, R ही रहेगा, और S, यहाँ पर आप देखिए S क्या है, अज्ञात तार का प्रतिरोध है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, S क्या है, अज्ञात तार है, यही है अज्ञात तार, अज्ञात तार का प्रतिरोध है, तो वही हमको ज्ञात करना है, और R है ये, मतलब हम प्रतिरोध बॉक्स से जितना प्रतिरोध निकाले रहेंगे वो R है, तो ज्ञात वैल्यू है, क्योंकि 10 ओम निकाला है तो हमको पता रहेगा R का मान 10 है। तो हम S को इधर पक्षांतर कर देते हैं, और यहाँ से ये X, X के साथ में कट जाएगा, तो S को इधर पक्षांतर कर दें, तो R इंटू, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 100 माइनस L, R इंटू 100 माइनस L, ये नीचे आएगा अपॉन L। ये जो सूत्र हमने निकाला है ये अज्ञात तार के प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला है। अब दाएं तरफ की जो राशि आप देख रहे हो, इसमें सभी राशि क्या है, ज्ञात है, कैसे, R का मान हमको कहाँ से मिल जाएगा, प्रतिरोध बॉक्स से मिल जाएगा, और L इसमें आया हुआ है, तो L का मान हमको यहाँ पर ये मीटर स्केल की सहायता से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर R का और L के मान को भर पुटअप कर देंगे और उसको हल करेंगे, तो हमको अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से हम मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। मान लो अब आपको इसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपान एल। यहाँ पर अज्ञात तार को हमने एस लिया है, एस लिखेंगे, ये हो जाएगा दैट इक्वल एस इंटू, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपान एल। तो इस सूत्र की सहायता से हम उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, एस तो हमको ज्ञात हो जाएगा यहाँ से, एल तो हमको ऑलरेडी ज्ञात है, और आर है जो तार यहाँ पर यूज़ किया गया है उसकी त्रिज्या, तो उसकी त्रिज्या हम ज्ञात कर लेंगे किसकी सहायता से, स्क्रू गेज की सहायता से, स्क्रू गेज उपकरण की सहायता से तार की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, और उस त्रिज्या को यहाँ पर भरेंगे तो हमको उस तार का क्या मिल जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये हुआ हमारा मीटर ब्रिज का कंप्लीट एक्सपेरिमेंट। इसमें एग्जाम में कभी कभी सावधानियाँ पूछता है, तो दो सावधानी आप लिख सकते हैं, जिसमें दो सावधानी में सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है,
कि जितने भी इसमें पैच होते हैं, पैच मीन्स इसके स्क्रू, जहां पर हम उनको टाइट करते हैं, वो ढंग से कटा होना चाहिए, क्योंकि लूज सर्किट में करंट ठीक से सप्लाई नहीं हो सकता। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो प्रिकॉशन है, सावधानी है, वो है कि जाकी को तार के ऊपर जब हम चलाते हैं तो उसको रगड़ना नहीं है, मतलब ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ घर्षण होगा और घर्षण होने से तार गर्म हो जाएगा, और आपको मालूम है कि ताप बढ़ने पर तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो प्रतिरोध में परिवर्तन आ जाएगा। क्लियर? तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए आता है, और बोर्ड के साथ साथ यह आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यदि आपने मेरा ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा तो मेरा दावा है इसके बाद यदि आपको उपकरण दे दिया जाए तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्लियर? ये हो गया हमारा 20 मीटर सेतु। अब नेक्स्ट जो अपन एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है विभव मापी। तो अब हम पढ़ते हैं विभव मापी। विभव मापी की सहायता से हम क्या करते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विभव मापी मतलब विभव मापते होंगे, और जब विभव मापते हैं तो उसे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। जनरली बोर्ड एग्जाम में यदि ये सिलेबस में रहे तो दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। देखिए, अभी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस टाइम में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम में आपको पता है कि हम COVID-19 के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और पूरे इंडिया में जितने भी बोर्ड हैं, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स या ICSE बोर्ड, सभी ने अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। कई स्टूडेंट मेरे चैनल में कमेंट्स बॉक्स में ये बात मुझसे पूछते हैं कि सर सिलेबस रिड्यूस हो गया है, हम क्या करें। तो एक्चुअली इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझिए, सिलेबस रिड्यूस हुआ है सिर्फ एक साल के लिए, क्योंकि सर हमको उतना ड्यूरेशन नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए। लेकिन फ्यूचर में जब आप IIT JEE और NEET का एग्ज़ाम देंगे तो कोई निश्चित नहीं है कि उसके सिलेबस को रिड्यूस करेंगे कि या नहीं करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। या कोई ड्राफ्ट लेने के बाद IIT या NEET का प्रिपरेशन करेगा तो सिलेबस वहाँ 100% रहेगा। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स को पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात, ये जो मेरा वीडियो है वो फॉर एवर आने वाले कमिंग जनरेशन के लिए हमेशा अवेलेबल है, इसलिए मैं सिलेबस को 100% आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मेरा आपको एक सजेशन है कि जब आप बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम के समय, अभी से नहीं, अभी तो आप पढ़िए, तो जब बोर्ड एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके पास रिड्यूस सिलेबस है, तो आप अभी अपने नोट्स को उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाइए जो आपके सेशन में आपको देना है। वो सब टॉपिक आप अपने नोट्स में मत लिखिए जिसको सिलेबस से हटा दिया, क्योंकि हमारा पर्पस बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना भी है। तो अभी आप उसी हिसाब से नोट्स बनाइए, जब आप प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम का तो आप अपने नोट्स से पढ़िए, और जब मेरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको तो याद रहेगा कि भाई ये टॉपिक को सिलेबस से हटा दिया है, तो आप उसको स्किप कर देना, उसको फॉरवर्ड करके आप देख लेना। ये आपको सावधानी रखना पड़ेगा। मैं वीडियो को रिड्यूस सिलेबस पर नहीं बना सकता, क्योंकि 2021 के बाद जब 21-22 का स्टूडेंट्स आएगा और वो पूरे सिलेबस पर एग्जाम देगा तब तो मेरा वीडियो उनके लिए इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो ये बात आप समझना। कई स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं ये बात, कमेंट्स बॉक्स पर लिखते हैं कि सर हम कैसा करें, तो उसमें कुछ टेंशन का बात नहीं है। यदि आपको ज़्यादा सिलेबस प्रोवाइड कराया जा रहा है आप उसको छांट के पढ़ लीजिए, लेकिन अभी तो मेरा सजेशन है एक बार आप पूरा पढ़िए, क्योंकि आपका नीट, IIT, JEE वगैरह यदि टारगेट है तो आपको उतना कॉम्पैक्ट होने का जरूरत नहीं है, आप उतना अपने आप को संकुचित मत करिए। क्लियर? हाँ, लेकिन बोर्ड एग्जाम के समय आपको केयर करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के समय आप बहुत ब्रॉड हो जाएंगे, हो सकता है कि आप ऐसे टॉपिक को पढ़ने लगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। उस टाइम में 2-3 मंथ आप अपने सिलेबस पर फोकस हो जाना, उसको अभी से आप ध्यान में रखिए, और अपने पास सिलेबस को रिड्यूस करके रखिए अपने टेबल पर कि भाई मेरा इस साल का सिलेबस ये है। चलिए, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विभव मापी। विभव मापी इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। विभव मापी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, और इसकी सहायता से हम
विभव ज्ञात करते हैं, या सीधा कहें तो हम किसी सेल का, हम इसकी सहायता से किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में EMF कहते हैं और प्रदर्शित करते हैं किससे, E से, ये हम ज्ञात करते हैं। ये ज्ञात करना हमारा काम है, सेल का विद्युत वाहक बल। जैसे मैंने आपको मीटर ब्रिज में बताया कि मीटर ब्रिज की सहायता से क्या करते हैं, अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार से विभव मापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात करते हैं, वो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपको मैं समझाऊंगा। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, तो हम इसका देखेंगे सबसे पहले सिद्धांत कि भाई इसका सिद्धांत क्या होता है, क्योंकि जब तक हमको किसी इंस्ट्रूमेंट का सिद्धांत समझ में नहीं आएगा तब तक हम उस इंस्ट्रूमेंट में काम ही नहीं कर सकते। तो इसका सिद्धांत क्या है, जो मैंने आपको विद्युत वाहक बल और विभवांतर पढ़ाते समय समझाया था कि यदि किसी परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल उस परिपथ के विभवांतर के बराबर हो तब क्या होता है, उस सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं होता, मतलब वह परिपथ क्या होता है, खुला परिपथ कहलाता है, ओपन सर्किट कहलाता है। यह मैंने आपको विद्युत वाहक बल पढ़ाते समय, मतलब धारा विद्युत के पहले पार्ट के सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसका सिद्धांत वही है, E=V जब सेल क्या हो, खुले परिपथ में हो। अब आगे आपको परिपथ मैं समझा दूं कि किस प्रकार से इसको हम समझते हैं परिपथ। तो इसका जो परिपथ होता है, इसका जो सर्किट डायग्राम होता है, जैसे मैंने मीटर ब्रिज का बताया वैसे मीटर ब्रिज की तरह यह भी क्या होता है, लकड़ी के पट्टी में तार को टाइट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर लगभग क्या दो तरह के मीटर ब्रिज बनते हैं, लेकिन जनरली हम 10 मीटर लंबाई वाले तार के लिए मीटर ब्रिज बनाते हैं, क्योंकि तार की लंबाई जितना ज़्यादा होगा वह उतना ही अच्छे इफिशियंसी के साथ में काम करता है। तो इसमें 10 मीटर लंबाई का तार हम यूज़ करते हैं। अब 10 मीटर के यदि हम पूरा एक कमरे में लंबा कर दें तो पता चल रहा है कि ले भी 10 मीटर का नहीं, ये तो दिक्कत हो जाएगा, या उतना बड़ा हमको लकड़ी का सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो उसको वैज्ञानिकों ने क्या किया, 10 मीटर के तार को एक एक मीटर में इस तरह से अरेंज करके 10 बार में मोड़ दिया एक एक मीटर का, तो ऐसा आपको मिलेगा। ये एक क्या रहेगा, एक लकड़ी के पट्टी पे टाइट रहेगा, 10 बार ऐसे फोल्ड रहेंगे इसमें और 10 मीटर इसकी लंबाई होगी। लेकिन यहाँ पर हम जब सैद्धांतिक चित्र बनाएंगे तो एक लाइन में उसको प्रदर्शित कर देंगे। ऐसा मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, देखिए मेरे इंस्टीट्यूट में तो पूरा मैंने लैब बना के रखा है। मैं जिस इंस्टीट्यूट में, मेरा जो कोचिंग है जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर मेरे पास पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए एक बहुत ही एडवांस लेबोरेटरी है, जहाँ ऑफलाइन क्लास में मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से पढ़ाने के बाद उसका डेमो भी बताता हूँ। लेकिन यहाँ ऑनलाइन क्लास में मेरी मजबूरी है कि मैं वहाँ पर इस तरह का डेमो अभी आपको नहीं बता सकता। इन फ्यूचर यदि मेरे पास कभी टाइम रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो में ही उसका मैं एक डेमो बता दूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरा टारगेट है कि सबसे पहले मैं आपको इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, फिर IIT JEE के लेवल पर आपको न्यूमेरिकल्स और कंटेंट्स प्रोवाइड कर दूं, उसके बाद फिर मैं उसको देखूंगा, प्लानिंग में हो सकता है। इसलिए मैं अपने लेक्चर में ही कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट को इतना अच्छे से बता दूं कि फ्यूचर में कहीं आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़े तो आप मेरे लेक्चर के बेस पर ही उसको कर सकेंगे। ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी सीधा करना अलग बात होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बोर्ड में ही मैं आपको उसको बता सकूँ। तो परिपथ है इसका, देखिए ये मैं तार लिया, अब इसको आप एक मीटर का तार, 10 मीटर का तार समझिए जो मैंने यहाँ पर बताया था, जो कि एक सिंगल लाइन में है। तो ये विभव मापी का एक तार है AB। इसके बाद यहाँ से हम एक तार लेते हैं और यहाँ पर हम लगाते हैं प्रतिरोध नियंत्रक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियोस्टेट, RH रियोस्टेट, और हिंदी में बोलेंगे प्रतिरोध नियंत्रक, धारा नियंत्रक, सॉरी प्रतिरोध नहीं, धारा नियंत्रक, धारा को नियंत्रित करता है। इसके बाद यहाँ लगाते हैं हम एक की। ये सब सर्किट स्टूडेंट को करना होता है, लेकिन जनरली स्कूल में टीचर्स करके देते हैं इसको, आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हो, लेकिन आपको आना चाहिए।
तो ये लगा दिए, फिर एक की लगा दिए, इसके साथ में एक बैटरी लगा दिए और दूसरे सिरे को हम यहाँ पर बी से कनेक्ट कर दिए। ए बी क्या है, एक 10 मीटर का तार है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, तार लेते हैं और यहाँ पर उस बैटरी को लगाते हैं जिसका हमको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है। तो मान लो इसका विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, यही हमको ज्ञात करना है। इसके बाद इसके साथ में एक की लगा देते हैं। की तो ऑन ऑफ करने के लिए जरूरी होता है हर जगह, ये इसको डार्ट की बोलते हैं, सपोज K1 K2। और इसके बाद इसके साथ एक तार लेके हम इसमें लगा देते हैं धारा मापी और जाकी, जो कि मैंने आपको अभी मीटर ब्रिज पढ़ाते समय बताया। तो ये हमारा हो गया इसका सर्किट, बहुत ईजी सर्किट है, कुछ नहीं इसमें। अब मैं आपको बता दूँ इसका एक्सपेरिमेंट। तो मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि दोनों एक्सपेरिमेंट का जो प्रोसेस है 90% सेम टू सेम है। अब क्या करेंगे, देखिए ये जाकी को हम इस किनारे में टच करेंगे। तो अभी जैसे मैंने बताया मीटर ब्रिज पढ़ाते समय कि उसमें बाएं तरफ विक्षेप होना चाहिए, और यदि यहाँ टच करूँ तो दाएं तरफ विक्षेप होना चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो जैसे मैं वहाँ बताया कि रेजिस्टेंस बॉक्स से हम कुछ रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो यहाँ पर उसके बजाय रियास्टेट को हम मूव करके प्रतिरोध को कम ज़्यादा करके धारा को नियंत्रित करते हैं। और जब हमको बाएं तरफ और दाएं तरफ टच करने से दोनों ओर विक्षेप मिलने लगे बिल्कुल मीटर ब्रिज की तरह, तब हम इस जाकी को इस किनारे से हल्के हाथ से टच करते 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 आगे हम तब तक बढ़ते हैं जब तक उस गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। जैसे ही गैल्वेनोमीटर का विक्षेप जीरो होता है तो वहाँ पर हम जाकी को रोक देते हैं और ए से जे तक तार की लंबाई को नोट कर लेते हैं। एल यहाँ पर इस साइड की लंबाई को लेने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि हमको बैलेंस पॉइंट आगे नहीं निकालना है। तो ए से जे तक मान लो तार की लंबाई क्या है, एल है। ये लंबाई निकालने के बाद इसका गणना बहुत आसान है, ये मैंने इसका सिद्धांत बताया हुआ है आपको। अब यहाँ पर हमको एक नए कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है जिसको थोड़ा मैं अलग से यहाँ पर बता देता हूँ, इसको आप नोट करके कहीं पर अलग से लिख के रखेंगे, वो है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो विभव प्रवणता क्या होता है, विभव प्रवणता को जनरली हम K से प्रदर्शित करते हैं और K बराबर होता है V/L, K=V/L। मतलब यदि किसी चालक तार के में प्रवाहित धारा के विभव में तार की लंबाई को विभाजित कर दें तो जो प्राप्त होता है उसको विभव प्रवणता कहते हैं। वास्तव में क्या है, यह विभव परिवर्तन की दर है लंबाई के सापेक्ष। यदि इसको हम कैलकुलस के लैंग्वेज में लिखें तो K=dV/dl या dx, यहाँ पर x लंबाई हो जाएगा, आप लंबाई का संकेत को इस तरह से dV/dx क्या होता है, विभव प्रवणता। वैसे एक चीज़ आप ध्यान में रखना, यह सब 11th क्लास का बेसिक फंडामेंटल का टॉपिक है, कहीं भी किसी भौतिक राशि की प्रवणता निकालना हो तो वहाँ पर आपको क्या है, लंबाई के सापेक्ष उसको क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। जैसे वेग प्रवणता, तो dV/dx वेग में हम ऐसा। प्रवणता का मतलब होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, ध्यान से नोट करना आप। यदि आपको दर बोले, दर रेट, तो दर बोले तो समय के सापेक्ष होता है, मतलब वेग परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। लेकिन कहीं पर आपको क्या बोले, ग्रेडियंट बोले, प्रवणता बोले, तो लंबाई के सापेक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फिजिक्स का, दर बोलने से समय के सापेक्ष और प्रवणता बोलने से लंबाई के सापेक्ष। तो विभव प्रवणता होता है मतलब लंबाई के सापेक्ष विभव में परिवर्तन। तो यहाँ से यदि हम भी लिखना चाहें तो V=, कहा जाएगा K×L हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखना कि विभव बराबर होता है विभव प्रवणता गुणित तार की लंबाई। तो आप अलग से नोट करके रखना, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इसको मैं, और इस बात को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्लियर। या यहाँ पर भी आप इसको एक्सप्लेन करके रख सकते हैं। तो ये हमको जो फार्मूला मिला है, तो यहाँ पर हम इसको पुट कर दें, E=V के जगह में क्या लिख देंगे, K×L। तो E बराबर हमको K×L मिल जाएगा और यहाँ से हम तार के विद्युत वाहक बल, सॉरी सेल के विद्युत वाहक बल को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, K एक नियतांक है जो हमको पता होता है कि किसी भी चालक तार का विभव प्रवणता कितना है,
और एल को हम क्या करते हैं, प्रयोग की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। कहाँ से, ये जो मैंने बताया यहाँ पर भी मीटर स्केल नीचे में लगा होता है, उसकी सहायता से हमको जितना लंबाई मिलेगा नोट कर लेते हैं और दोनों के मान यहाँ पर भर देते हैं तो हमको यहाँ पर विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात हो जाता है। इसकी सहायता से हम ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हुआ इसका सिद्धांत और इसका परिपथ। अब हम इसमें दो प्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला प्रयोग हम इसमें पढ़ेंगे, इसका जो एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट वो है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। दो सेलों के ईएमएफ की तुलना, ये पहला प्रयोग है। तो अब आप सिद्धांत समझ गए हैं तो इसको समझना दो मिनट का काम है। अभी आपने एक सेल का विद्युत वाहक बल निकाला, अब हमारे पास दो सेल है और दोनों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना है। तो नेचुरली ये बात हमको समझ में आ जाता है कि पहले हम एक सेल का विद्युत वाहक बल निकालेंगे, फिर दूसरे सेल का निकाल लेंगे और पहले सेल के विद्युत वाहक बल में दूसरे सेल के विद्युत वाहक बल को भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कौन किसका कितना गुना है। तो उसके लिए सर्किट में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा अपने को, एक तार और लेंगे और यहाँ पर एक और बैटरी लगा देंगे क्योंकि अब अपने पास दो बैटरी है। तो इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 और इसका मान लेंगे E2 और इसके साथ भी एक की लगा देंगे K3 और गैल्वेनोमीटर से जाके जोड़ देंगे। तो ये यदि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है तो उसका सर्किट आप ऐसे बनाएंगे। इसके पहले जो सर्किट बनाया था वो एक सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है, अब जो सर्किट बना है वो दो सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना करना है। और अब प्रयोग आपको कैसे करना है, देखिए बहुत आसान है। पहले आप कुंजी K2 को ऑन करेंगे और K3 को ऑफ करेंगे, माने दूसरे सेल को डिस्कनेक्ट कर देंगे। और पहले सेल के लिए आप इस प्रयोग को करेंगे तो सपोज पहले सेल के लिए आपको ये उदासीन बिंदु J1 में मिलेगा और कि तार की लंबाई मान लो L1 मिलेगा, सपोज ऐसा हो गया। अब आप क्या करोगे, अब पहले सेल के स्विच को ऑफ कर दोगे, बंद कर दोगे और दूसरे का चालू कर दोगे तो ये वाला जुड़ जाएगा। अब उसके लिए प्रयोग करोगे और उस समय मान लो उदासीन बिंदु हमको J2 में मिलेगा और A से J2 तक हम तार की लंबाई को मान लो L2 मान लिए। तो उसी प्रयोग को दो बार करना है, एक बार पहले सेल के लिए, एक बार दूसरे सेल के लिए। फिर उसके बाद गणना में अपने को क्या लिखना है, प्रथम सेल के लिए। तो प्रथम सेल के लिए यदि हम इस सूत्र को लगाएं, यहाँ पर हमने फार्मूला निकाला था E equal to K into L, इस फार्मूला को निकालें प्रथम सेल के लिए तो क्या हो जाएगा, E1 equal to K into L1, रिलेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर K क्या है, नियतांक है, इसलिए हम उसको K लिखें। इसके बाद द्वितीय सेल के लिए, अब हम एक फार्मूला को दूसरे सेल के लिए लगा दें तो दूसरे सेल के लिए E2 equal to है K into L2, रिलेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन फर्स्ट में रिलेशन सेकंड को भाग कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बाएं तरफ E1 upon E2 equal to K into L1 upon K into L2, दैट इंप्लाइज K कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा E1 upon E2 equal to L1 upon L2। और इस फार्मूला की सहायता से हमको विद्युत वाहक बल का तुलना हो जाएगा। इस प्रकार से हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं, क्लियर। तो ये हमारा हो गया विभव मापी और विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। अब इसका सेकंड एक्सपेरिमेंट है इस इंस्ट्रूमेंट पर, वो है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने से पहले हमको आंतरिक प्रतिरोध क्या है ये समझना पड़ेगा। तो मैं प्रयोग पर समझाने से पहले आपको समझा रहा हूँ आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पहले पढ़ लेते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ये आंतरिक प्रतिरोध भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, जब आपको न्यूमेरिकल सेशन में आप पढ़ोगे। देखिए आपको कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करना है और न्यूमेरिकल्स करना है तो उसका पहला शर्त है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहना चाहिए। यदि आप बिना चैप्टर को अच्छे से समझे सीधा न्यूमेरिकल्स में चले जाएंगे आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब हम पढ़ते हैं आंतरिक प्रतिरोध।
आंतरिक प्रतिरोध, इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस नाम से स्पष्ट है, आंतरिक माने अंदर का, तो किसके अंदर का प्रतिरोध, किसके अंदर का प्रतिरोध, अभी तक हम जो प्रतिरोध करते हैं वो वास्तव में कौन सा प्रतिरोध होता है, वो बाह्य प्रतिरोध होता है, लेकिन हम उसको बाह्य प्रतिरोध ना कहकर खाली प्रतिरोध कह देते हैं, वो किसी तार का प्रतिरोध होता है। आंतरिक प्रतिरोध होता है किसी सेल या बैटरी का, मतलब जो विद्युत का सोर्स होगा उसी का आंतरिक प्रतिरोध होता है, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से। जैसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं बाह्य प्रतिरोध को, वैसे ही आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं किससे, स्मॉल आर से। अब ये आंतरिक प्रतिरोध डेवलप कैसे होता है, आपको पता है कि जब हम सेल बनाते हैं तो सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं कैथोड और एनोड इस तरह से, और इसके अंदर भरा जाता है विद्युत अपघट्य, क्लियर, इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और जब हम इसमें केमिकल रिएक्शन कराते हैं धारा उत्पन्न करने के लिए, तो इस सॉल्यूशन के अंदर, विलयन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं एनोड से, कैथोड से एनोड की ओर, और यही विद्युत धारा है, इलेक्ट्रॉन का बहना ही क्या है, विद्युत धारा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के अंदर बहते हैं तो इनकी मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, मतलब वो जो सॉल्यूशन होता है वह इलेक्ट्रॉन को बहने में अवरोध उत्पन्न करता है, उसको रोकता है, और यही अवरोध क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध। मतलब आंतरिक प्रतिरोध का क्या मतलब हुआ, किसी सेल या बैटरी के अंदर धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है या जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, क्लियर। अब हम यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध का गणना करना चाहें तो एक छोटा सा फार्मूला डिराइव होता है इसके लिए, जो आपको तैयार करना बहुत जरूरी है। सपोज एक हम छोटा सा सर्किट बनाते हैं, ये एक बैटरी है और इस बैटरी में हमने एक की लगा दिया, बैटरी के साथ की को हम बगल में ही लगा देते हैं, वैसे कहीं भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर हमने एक प्रतिरोध तार लगा दिया, इसका बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, इस बैटरी का विद्युत वाहक बल ई है और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। अब सपोज हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, ये हम इसमें यदि धारा प्रवाहित करें आई, तो आर से आई धारा प्रवाहित होकर इधर वापस हो जाएगा, तो इस परिपथ में हम दो कंडीशन में बात कर सकते हैं, एक खुले परिपथ में, जब परिपथ खुला हो, खुला परिपथ कहने का मतलब इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा होगा, बंद और खुला परिपथ मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था पहले दिन, तो जब हमारा सर्किट खुले परिपथ में हो मतलब इसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो रहा हो, ये क्या है, बैटरी को हम ऑफ करके रखे हैं, तो उस कंडीशन में आपको पता है कि विभव V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, या हम ओम्स लॉ से V को डाई इंटू आर, या डायरेक्ट I के लिए इसको मैं लिखूं तो I इक्वल टू होता है V अपान आर, रिलेशन नंबर फर्स्ट। ये है खुले परिपथ की बात, लेकिन यदि हम इसमें धारा प्रवाहित कर दें, स्विच को ऑन कर दें, तो बंद परिपथ में, बंद परिपथ में धारा I बराबर क्या हो जाएगा, बंद परिपथ में धारा I बराबर हो जाएगा विद्युत वाहक बल हो जाएगा विभव के जगह में, और प्रतिरोध कितना होगा, देखो ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा R प्लस R, रिलेशन नंबर सेकंड। ये हो गया खुला परिपथ, बंद परिपथ, दोनों एक ही परिपथ में बहने वाली धारा है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, देयरफॉर दोनों को हम बराबर कर दें तो हो जाएगा V अपान R इक्वल E अपान R प्लस R। यहाँ पर हम त्रिज्या गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें यहाँ पर, तो अपने को क्या मिलेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे V इंटू कैपिटल R प्लस ये हो जाएगा V इंटू स्मॉल R इक्वल टू ये हो गया E इंटू R। दैट इम्प्लाइज अब इसको उधर ट्रांसफर कर दें तो V इंटू स्मॉल R इक्वल टू, यहाँ इसको पक्षांतर करने के बाद R को कॉमन भी कर लेते हैं, तो R को कॉमन कर लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से E माइनस
वी, दैट इम्प्लाइज अब हमको स्मॉल आर का मान चाहिए, इसको अकेले छोड़ो, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो कैपिटल आर और वी का अंदर में इसको भाग दे देता हूँ दोनों के, तो ये हो जाएगा ई अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी मतलब वन, और ये हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध के लिए फार्मूला। इस तरह से आप ध्यान रखना कि ये जो मैंने फार्मूला निकाला है यह किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध निकालने का फार्मूला है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में यहाँ तक भी पूछा जा सकता है प्रयोग के बजाय सिर्फ ये, और ये न्यूमेरिकल्स बनाने में ये फार्मूला आपको बहुत काम आने वाला है। क्लियर, ये हो गया हमारा आंतरिक प्रतिरोध। अब हम पढ़ते हैं कि विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। क्लियर, मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर टू। एक्सपेरिमेंट नंबर टू क्या है हमारा उद्देश्य? विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की हमको सहायता लेना है, विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। सेल का आंतरिक, जो भी मैंने आपको पढ़ाया आंतरिक प्रतिरोध, ये ज्ञात करना, ये हमारा उद्देश्य है विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। क्लियर, तो सिद्धांत तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, वही सिद्धांत जो मैं अभी आपको बताया। अब हम इसका देखते हैं परिपथ, कि परिपथ में थोड़ा चेंज हो जाएगा इसमें, थोड़ा सा नॉमिनल। क्या चेंज होगा देखिए, ये तो इसका 10 मीटर का तार रहेगा ही, ए बी, इसके बाद हम इसमें वो रियास्टेट तो लगाएंगे ही, ये तो इसका अनिवार्य पार्ट है, फिर इसमें की भी रहेगा और इसमें एक बैटरी, और इससे हम इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर हम वो सेल लगा देंगे जिसका हमको क्या चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध, और इसमें हम लगा देंगे एक गैल्वेनोमीटर और साथ में जा, यहाँ तक आपको पता है। नया चीज़ इसमें क्या जोड़ना है, यहाँ से तार लेना है और यहाँ पर लगाना है रेजिस्टेंस बॉक्स। ये मैंने आपको मीटर ब्रिज पढ़ाते समय बता दिया है रेजिस्टेंस बॉक्स, और इसको ले जाके इसे कनेक्ट कर देंगे, ये जाके तो सर्किट में इतना आपको चेंज करना है, नॉमिनल चेंज करना है। अब इसमें एक्सपेरिमेंट कैसा करना है, एक्सपेरिमेंट भी आपको बार बार समझा दिया। यहाँ पर जाके को टच करोगे और सबसे पहले हम इसके, इसका विद्युत वाहक बल ई है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई रेजिस्टेंस पहले हम नहीं निकालेंगे, सारे स्विच टाइट रखेंगे और हम इस बैटरी के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, और यहाँ पर हम उदासीन बिंदु प्राप्त करेंगे जे वन, और मान लो यहाँ से यहाँ तक तार की लंबाई क्या है, एल वन है। सेकेंड टाइम में क्या करेंगे, हम इस प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध निकालेंगे, और प्रतिरोध निकालने के बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उस टाइम में जो उदासीन बिंदु मिलेगा वो क्या है, मान लो जे टू, और तार की लंबाई यहाँ पर एल टू। मतलब प्रयोग दो बार कैसे कैसे करना है, एक बार प्रतिरोध बॉक्स से बिना प्रतिरोध निकाले, और एक बार प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध निकाल के, इसके बाद इसका गणना। तो गणना सबसे पहले सेल के लिए, मतलब जब हमने क्या किया उसमें सेल यूज किया, तो सेल के लिए विद्युत वाहक बल E इक्वल टू हो जाएगा, तो E इक्वल टू हमने फार्मूला लिखा है के एल वन, ये हम अभी पढ़ते आ रहे हैं इसके सिद्धांत से, क्योंकि विभव मापी का सिद्धांत तो E बराबर के इन टू एल होता है। उसके बाद किसके लिए, रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए मैंने लिख दिया आर बी के लिए, तो आर बी के लिए क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। वी क्यों होगा, क्योंकि सेल बंद परिपथ में होता है इसलिए ई यूज करेंगे, और रेजिस्टेंस बॉक्स खुला परिपथ में होता है तो भी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल और खुले परिपथ में विभवांतर, तो वी इक्वल टू हो जाएगा के इंटू एल टू रिलेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला जो हमको पता है, इसलिए आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर इक्वल टू जो फार्मूला है क्या अभी जो हमने निकाला है, आर अंडर ब्रैकेट ई अपॉन वी माइनस वन, इसमें हम मान को भर दें, तो दैट इम्प्लाइज स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ई का मान अपने पास क्या है के एल वन, और वी का मान क्या है के एल टू माइनस वन, ये हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज
आगे इसको हम सॉल्व करें तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर अंडर ब्रैकेट देखिए के साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा एल वन अपॉन एल टू माइनस वन। यही आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला है। अब देखिए ये जो फार्मूला हम निकाले हैं इसमें सभी राशियाँ क्या हैं ज्ञात हैं। कैसे ज्ञात हैं? कैपिटल आर इसका मान आपको कहाँ से पता चलेगा? रेजिस्टेंस बॉक्स से, कि आपने कितना ओम का प्रतिरोध निकाला है। एल वन एल टू आपको कहाँ से पता चलेगा? एल वन एल टू पता चलेगा है तार की लंबाई से जो प्रयोग करते समय मिला है। ये तीनों मान को भर दें हम आर एल वन एल टू का तो हमको उस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से हम विभव मापी की सहायता से दो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, और दूसरा एक्सपेरिमेंट दो सेलों के विद्युत वाहक बलों सॉरी किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो ये हमारा विभव मापी का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर का लास्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह है सेलों का संयोजन या सेलों का समूहन। जैसे हमने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखा, रेजिस्टेंस को जोड़ा सीरीज में पैरेलल में, उसी प्रकार से सेलों को भी जोड़ा जाता है। तो ये हमारा धारा विद्युत का लास्ट कंटेंस है जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। क्लियर? सेलों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या समूहन, संयोजन समूहन एक ही बात है, इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने संधारित्र में पढ़ा, आपने प्रतिरोध में पढ़ा, वही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर भी पढ़ना है। तो यह है सेलों का संयोजन या समूहन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो जैसे आपको पता है कि आपने जब प्रतिरोध पढ़ा तो प्रतिरोध का दो समूहन दो संयोजन आपने पढ़ा, सीरीज और पैरेलल, श्रेणी और समांतर। यहाँ पर भी हमको श्रेणी और समांतर दो समूहन पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हमको तीसरा समूहन भी पढ़ना है, वह है मिश्रित समूहन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो सीरीज और पैरेलल तो बहुत आसान है, दो दो लाइन का है, मिक्स्ड थोड़ा सा डिटेल है, तो आपको ध्यान से एक एक समूहन को समझना है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ श्रेणी समूहन, श्रेणी समूहन, सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी समूहन में देखिए यहां पर दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा समूहन जिसमें एक बैटरी का प्लस, देखिए ये एक बैटरी है और ये एक बैटरी है, इसी तरह से यहाँ पर हमने सपोज एन सेल यूज किया है, एन सेल, तो यहाँ पर कैसे ज्वाइंट किया गया है? इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ा है, फिर इसका माइनस उसके प्लस से जुड़ा हुआ है, और लास्ट में हम इसके साथ में एक लगा देते हैं वाह प्रतिरोध कैपिटल आर। सभी सेल का विद्युत वाहक बल ई है, ध्यान रखना सभी सेल का विद्युत वाहक बल ई है, और सब का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल आर है। क्लियर? और इसमें बहने वाली धारा है मान लो आई। तो परिभाषा क्या हो जाएगा इसका? दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा समूहन जिसमें एक सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से जुड़ा हो। जैसे आपको पता है कि जब आप तीन चार बैटरी किसी इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं, ठीक है, आप मान लो कीबोर्ड में लगाते हैं मान लो, या फिर आप कहीं पर किसी डिवाइस में इंस्ट्रूमेंट में, घर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अपन यूज़ करते हैं, उसमें एक के बाद एक सेल को लगाते जाते हैं प्लस। जैसे इस तरह से ये मेरे पास एक सेल है, फिर दूसरा सेल लगाया, तो आपको पता है इधर जो डार्ट निकला रहता है उसको ऐसा फ्लैट एरिया के साथ टच करते हैं प्लस माइनस के साथ में, तो ऐसा आप उसको जब जोड़ते जाते हैं तो श्रेणी समूहन है, तो ये श्रेणी समूहन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए एन सेल उपयोग किया गया है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक सेल का ईएमएफ
कितना है, E है। एक सेल का ई एम एफ ई है, तो एन सेल का, तो एन सेल का ई एम एफ, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, एन इंटू ई हो जाएगा। एक सेल का ई एम एफ ई है, तो एन सेल का क्या हो जाएगा, एन इंटू ई हो जाएगा। उसी प्रकार से एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है, तो एन सेल का, एन सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एन इंटू आर हो जाएगा। इसलिए कुल प्रतिरोध, इसलिए पूरे सर्किट का कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है और एन सेल का प्रतिरोध एन आर है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो आर प्लस क्या हो जाएगा, एन आर। इसलिए इस परिपथ से बहने वाली कुल धारा, तो बहने वाली कुल धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल मतलब एन ई अपान कुल प्रतिरोध R प्लस एन आर, ये हो जाएगा फार्मूला इसका। मतलब यदि हम N सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो उसमें बहने वाली कुल धारा का मान हम इस फार्मूला की सहायता से निकाल सकते हैं, जहां पर N सेलों की संख्या है, कैपिटल E क्या है, किसी भी एक सेल का विद्युत वाहक बल है, यहाँ पर सभी सेल का विद्युत वाहक बल आपस में समान है, और स्मॉल आर क्या है, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, और कैपिटल आर है उस परिपथ में लगा बाह्य प्रतिरोध। तो बहुत आसान फार्मूला है, ये श्रेणी समूहन है। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं इसका समांतर समूहन। सेकंड, समांतर समूहन में किस प्रकार से सेलों को जोड़ा जाएगा, प्रत्येक सेल का धन सिरा एक तरफ हो और ऋण सिरा दूसरे तरफ हो, मतलब धन ऋण के साथ न जुड़ा हो, तो सेकंड है समांतर समूहन। समांतर समूहन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह से जुड़ा जाएगा, इसमें ये एक सेल है, फिर ये दूसरा सेल है, ऐसे बहुत से सेल जोड़े गए हैं इस प्रकार से ऐसा, और सभी का यह धन सिरा आप देख रहे हो, बाएं तरफ धन सिरा है, तो सब को हम एक ही बिंदु से, सब का धन सिरा और सब का ऋण सिरा ये दूसरे बिंदु से हमेशा जोड़ के रखे हैं, और यहाँ पर मान लो M पंक्ति है, ऐसे M पंक्ति मतलब M सेल यूज किया गया है, और इसको हम जोड़ देते हैं लास्ट में किसके साथ में, एक प्रतिरोध के साथ में, ये हमारा प्रतिरोध है बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। सभी का विद्युत वाहक बल E है और सब का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, इसमें सब में बहने वाली धारा क्या है, I है, तो I धारा हम यहाँ पर ये इसमें से प्रवाहित कर दिए, क्लियर। अब यहाँ पर M सेल यूज किया गया है, तो जैसा हम अभी कैलकुलेशन किए थे वैसे यहाँ पर भी कैलकुलेशन करेंगे, तो एक सेल का EMF, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E है, यहाँ पर कितने सेल यूज किए गए हैं, M सेल, तो M सेलों का EMF। अब यहाँ पर बहुत अलर्ट रहने वाली बात है, इसके पहले वाले गणना में आपने देखा है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल E था, तो N सेल का N इंटू E था। यहाँ पर उसी तर्क में आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर एक सेल का EMF है तो N सेल का M इंटू E होगा, लेकिन नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ E ही होगा। आप में से कुछ स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था समांतर समूहन में विद्युत वाहक बल या विभवांतर क्या होता है, कांस्टेंट होता है समांतर समूहन में, श्रेणी में अलग अलग होता है, समांतर में कांस्टेंट। एक नोट मैंने पहले आपको पढ़ाया तो बताया था, तो ध्यान रखना एक सेल का जितना है उतना एम सेल का भी होगा, क्योंकि विद्युत वाहक बल कांस्टेंट होता है, क्लियर। उसी प्रकार से एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, इसको पूरा लिख दूं, आप कंफ्यूज मत हो जाना ना, प्रतिरोध
स्मॉल आर है तो एम सेलों का, एम सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, तो यह समांतर समूहन के फार्मूला से निकलेगा। कैसे? मान लो वन अपॉन आर डैश है तो वन अपॉन आर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर, ये समांतर समूहन के फार्मूला से निकलेगा। और ये कितने पदों तक हो जाएगा, एम पदों तक। देयरफॉर वन अपॉन आर डैश इक्वल टू हो जाएगा एम अपॉन आर, तो आर डैश इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन एम। तो इस प्रकार से एम सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है आर अपॉन एम होगा वहाँ के जैसे। तो एक कॉन्सेप्ट वाइज इसको समझना है, ध्यान रखना, अदरवाइज सीरीज और पैरेलल में फिर बहुत परेशानी है, इतना आसान भी नहीं समझना। सीरीज में सीरीज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐड होगा और समांतर पैरेलल में पैरेलल के हिसाब से होगा। इसलिए अब हम लिख सकते हैं क्या, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध आर प्लस आंतरिक प्रतिरोध आर अपान एम। ये परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया और ये एम सेल का विद्युत वाहक बल हो गया। यहाँ से हम निकालना चाहें तो इसलिए कुल धारा, इसलिए परिपथ में बहने वाली कुल धारा आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल जो कि क्या है, ई है, और अपान आर प्लस आर अपान एम। दैट इम्प्लाइज आगे इसको सॉल्व करें तो m यहाँ पर लघुत्तम निकल के ऊपर चला जाएगा, तो m इंटू ई अपॉन एम का इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा एम आर प्लस का जाएगा r। ये इसका फार्मूला है। तो ये जो फाइनल इक्वेशन आया ये क्या है, समांतर समूहन का। इसको आप बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल करने की इच्छा रखते हैं क्योंकि आपको नीट आईआईटी का प्रिपरेशन करना है, लेकिन आपका चैप्टर प्रॉपर प्रिपेयर नहीं रहेगा तो आपको बड़ी परेशानी है। इसलिए मैं हर वीडियो में याद दिलाते रहता हूँ कि आप सब, आपका पहला काम है सबसे पहले चैप्टर का बेसिक फाउंडेशन क्लास को अच्छे से करना। बहुत से स्टूडेंट्स एक बहुत मिसकॉन्सेप्शन में होते हैं कि चैप्टर ढंग से तैयार ही नहीं है और लगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लिया, यहाँ चल दिया वहाँ चल दिया और चैप्टर का कुछ भी समझा नहीं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कॉन्सेप्ट, जो मैं भी आपको क्लास में ले रहा हूँ वो सबसे पहले आप समझिए, फिर आगे के प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे। अब हम समझते हैं यहाँ पर तीसरा समूहन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मिस्ड कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स मिश्रित समूहन। मतलब कुछ सेल यहाँ पर श्रेणी क्रम में भी रहेंगे और कुछ समांतर में भी रहेंगे। क्लियर? थर्ड कॉम्बिनेशन जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। श्रेणी और समांतर समूहन ऐसा एग्जाम में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, दीजा मिश्रित है। तो थर्ड क्या है, मिश्रित समूहन। यह संयोजन ना, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अब नेचुरली नाम से स्पष्ट है कि इसमें हमको मिक्स्ड बनाना है, तो पहले आप परिपथ को समझिए। ये मैंने एक श्रेणी समूहन बनाया, एन सेल यूज किया इसमें इस तरह से, ये एक श्रेणी है, ये दूसरा है जो इसके साथ समांतर में है, यहाँ भी एन सेल यूज किया, और ऐसे बहुत से हमने श्रेणी का कॉम्बिनेशन लिया इस तरह से। ये आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये क्या किया गया है, हर श्रेणी में एन सेल है, हर श्रेणी में प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई है, सभी का जितना यूज किया गया है, सब आंतरिक प्रतिरोध भी स्मॉल आर है। अब इनको समांतर समूहन में जोड़ा गया है और ऐसे पंक्ति हैं एम, ऐसे एम पंक्ति बनाए गए हैं, सब का धन सिरा एक पॉइंट से इस तरह से, और सभी का ऋण सिरा दूसरे पॉइंट के साथ में जोड़ा गया है। क्लियर? ये अब यहाँ पर हम इसका कनेक्शन लेके इसके साथ में एक वाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं जो करंट को यूज़ करेगा, ये आर। अब इस समूहन में आप देखिए कितने सेल यूज़ किए गए हैं, इस समूहन में यूज़ किया गया है एम इंटू एन सेल, क्योंकि एक श्रेणी में एन सेल है और ऐसे पंक्तियों की संख्या कितनी है, एम पंक्ति है, तो टोटल सेल कितने यूज किए गए हैं, एम। अब यहाँ पर हम गणना करते हैं एक एक पंक्ति के हिसाब से, ठीक है, प्रत्येक
पंक्ति मतलब एक रो का विद्युत वाहक बल, एक पंक्ति का विद्युत वाहक बल क्या होगा? अभी हमने श्रेणी समूहन में पढ़ा है कि इस तरह से एक पंक्ति का विद्युत वाहक बल होता है क्या, n इंटू e, क्योंकि n सेल यूज किया गया है। इसी प्रकार से m पंक्ति का हम देखते हैं, m पंक्ति का EMF, तो अभी मैंने बताया आपको कि समांतर समूहन में क्या होता है, विद्युत वाहक बल कांस्टेंट हो जाता है, तो वो कितना हो जाएगा, n इंटू ई हो जाएगा। अब देखो प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध, प्रत्येक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, n इंटू आर। अभी हमने सीरीज में निकाला है क्योंकि एक पंक्ति तो सीरीज ही है, अब दोनों जो आप पढ़े उसी का कंबाइंड कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसलिए m पंक्ति का, इसलिए m पंक्ति का जो प्रतिरोध है उस फार्मूला से हम निकालें, 1 upon r dash equal to 1 upon nr plus 1 upon nr plus m पंक्ति तक या m पदों तक, that implies ये हो जाएगा 1 upon r dash equal to m upon nr। जोड़ने पर दोनों पक्षों को उल्टेंगे तो r dash equal to हो जाएगा nr upon m, ये निकल गया m पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध। इसलिए हम निकाल लेंगे अब क्या, कुल प्रतिरोध, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध बराबर बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R, और ये है एन आर अपान एम। अब ये कुल प्रतिरोध है और कुल विद्युत वाहक बल ये है, तो ये दोनों सूत्र की सहायता से हम निकाल सकते हैं, इसलिए परिपथ में बहने वाली कुल धारा। यदि इस प्रकार से हम इसका श्रेणी और समांतर समूहन का मिश्र कर लें तो कुल धारा कितना प्रवाहित होगा, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल मतलब n इंटू E बटे कुल प्रतिरोध, मतलब ये R प्लस एन आर अपान एम, दैट इम्प्लाइज I इक्वल टू m, यहाँ LCM आएगा और ऊपर चला जाएगा, तो m इंटू एन इंटू ई अपान एम का इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो एम आर प्लस एन आर, ये हो जाएगा परिपथ से कुल बहने वाली धारा। इस प्रकार से जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा वो ये फार्मूला होगा। यदि आपको एग्जाम में इसके मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को निकालने की बात करें तो यहाँ तक इसको आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस है, वो है अधिकतम धारा के लिए शर्त। ये फाइनल इक्वेशन हो गया, लेकिन मैं आपको एक स्पेशल केस पढ़ा रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन ज़्यादा कवर होता है वो उसी से कवर होता है, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ सर्किट, और आपको इसका मैं देखिए, अधिकतम धारा के लिए शर्त निकालने के लिए हमारे पास जो I का फार्मूला है वो उस पर हम डिस्कस करते हैं। I इक्वल टू हमने डिराइव किया है एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, ये है अधिकतम, ये है धारा के लिए फार्मूला। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि धारा अधिकतम कब हो सकता है। तो देखिए ये धारा का मान है, और किसी भी भिन्न की हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब उसका हर, जब उसका हर का मान न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा, तभी उसका अंश का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये हम जानते हैं। इस प्रकार से किसी भी परिपथ में अधिकतम धारा के लिए इसके हर के मान को क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि एम आर प्लस एन आर का मान न्यूनतम कब हो सकता है। तो इसके न्यूनतम होने के लिए हम शर्त देखते हैं। इसके बताने से पहले मैं आपको एक एलजेब्रा का एक फार्मूला बता रहा हूँ, इसको आप नोट करके ध्यान रखेंगे। एक फार्मूला होता है अपने पास, ए प्लस बी इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस टू रूट ए बी, ये बीजगणित का एक सूत्र है, क्लियर। ए प्लस बी इक्वल टू, इसको हम यदि विस्तार करें तो रूट ए का ए स्क्वायर ए आएगा, रूट बी का होल स्क्वायर बी आएगा, और माइनस टू रूट ए बी आएगा, वो इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस सूत्र को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस फार्मूला की सहायता से हम एम आर प्लस एन आर को लिखना चाहें तो एम आर को आप ए मान लीजिए और एन आर को आप क्या मान लीजिए, बी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एम आर प्लस एन आर इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट ऑफ एम आर
माइनस रूट ऑफ एन आर, ये ए है और ये बी है, इसका होल स्क्वायर प्लस टू रूट एम आर इंटू एन आर। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसके मान को हमको क्या करना है, न्यूनतम करना है, ये मान हमको मिनिमम करना है, तो फिर इसके मान को भी न्यूनतम होना चाहिए, इसके मान को भी न्यूनतम होना चाहिए। ये बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब यदि हम इसके न्यूनतम मान के बारे में बात करें तो किसी भी राशि का न्यूनतम मान ऋणात्मक में हो सकता है, क्योंकि ऋणात्मक वैल्यू सबसे छोटा होता है, लेकिन इसका ऋणात्मक पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट के अंदर की संख्या है, रूट के अंदर की संख्या को यदि हम ऋणात्मक कर दें तो वह रियल नंबर, वो वास्तविक संख्या नहीं रहेगा, वो अधिकल्पित राशि हो जाएगा, तो हम इसको ऋणात्मक तो कर नहीं सकते और इसको हम शून्य भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शून्य करने के लिए ये चारों में से किसी एक राशि को शून्य करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम इसके न्यूनतम पर डिस्कशन नहीं कर सकते, इसको तो आप रिजेक्ट कर दीजिए। अब हम इसके न्यूनतम पर बात करें तो इसके न्यूनतम के लिए क्या होगा, इसमें स्क्वायर लगा है तो ये ऋणात्मक ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। तो इसका सबसे छोटा मान क्या हो सकता है, शून्य, तो शून्य ये हो सकता है। इतना एक्सप्लेनेशन लिखना नहीं है आपको, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बताया, सीधा आप लिखेंगे देयरफॉर आई इसके एम आर प्लस एन आर के न्यूनतम मान के लिए क्या होना चाहिए, रूट ऑफ एम आर माइनस रूट ऑफ एन आर का जो होल स्क्वायर है उसको क्या होना चाहिए, जीरो। आप एक लाइन यहाँ लिखोगे कि इसके न्यूनतम मान के लिए इसके मान को क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। दोनों तरफ का वर्गमूल ले लें तो वर्ग हट जाएगा, तो रूट ऑफ एम आर माइनस रूट ऑफ एन आर इक्वल टू जीरो, आप उसको उधर ट्रांसफर कर दो, दैट इम्प्लाइज रूट ऑफ एम आर इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ एन आर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो यहाँ से एम आर इक्वल टू निकल जाएगा एन आर। अब यहाँ से हम दो कंडीशन निकाल लेते हैं, एक कंडीशन कैपिटल आर के लिए, तो कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगा एन आर अपॉन एम, ये कंडीशन हो जाएगा, तथा यदि हम यहाँ से स्मॉल आर का मान निकालना चाहें तो स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा एम आर अपॉन एन। ये दोनों पॉइंट क्या हैं, ये शर्त है, ये मैंने लिखा हुआ है अधिकतम धारा के लिए शर्त। तो यदि आपको एग्जाम में पूछे कि सेलों के मिश्रित समूहन में धारा की गणना कीजिए तथा अधिकतम मान के लिए सूत्र या कंडीशन निकालिए, एक्चुअल में हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, इसका कंडीशन है, ये स्पेशल कंडीशन है, तो यहाँ तक आप निकालोगे। और आगे इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अधिकतम धारा की गणना भी कर सकते हैं, इसलिए अधिकतम धारा, अब अधिकतम धारा भी हम निकालें, मान लो एग्जाम में पूछे कि अधिकतम धारा का मान भी निकालो, ये शर्त है, ये दोनों शर्त हैं, आप ध्यान रखना, ये शर्त है, लेकिन उसका मान निकालना है अधिकतम धारा, तो इस शर्त को क्या करेंगे, हम इस सूत्र में अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखो आई मैक्सिमम, अब अधिकतम धारा है तो ये जो फार्मूला है एम इंटू एन इंटू ई, एम इंटू एन इंटू ई अपान ये है एम आर, एम आर प्लस एन इंटू, अब यहाँ पर हम एक बार स्मॉल आर के वैल्यू को रख देते हैं, इसको इस मान को मैं यहाँ पर रख दूँ स्मॉल आर के जगह में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम आर अपान एन, यहाँ पर एन एन कटेगा, दैट इम्प्लाइज आई मैक्सिमम इक्वल ये एम एन ई, एम एन ई अपान एम आर प्लस एम आर, ये हो जाएगा टू एम आर, दैट इम्प्लाइज आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एम एम के साथ कट जाएगा, तो एन इंटू ई अपॉन टू कैपिटल आर, ये आई मैक्सिमम का कंडीशन हो जाएगा। तथा यदि हम इसको दूसरे रूप में निकालना चाहें तो आई मैक्सिमम इक्वल टू एम एन ई अपॉन, अभी हम यहाँ पर स्मॉल आर का मान भरे थे, अब भर देते हैं कैपिटल आर एम का, तो एम ये कैपिटल एम का मान भर दूँ मैं, तो एन आर अपॉन एम प्लस हो जाएगा एन आर, दैट इम्प्लाइज आई मैक्सिमम इक्वल एम एन ई अपॉन, यहाँ एम एम कैंसिल होगा, एन आर प्लस एन आर हो जाएगा टू एन आर, दैट इम्प्लाइज आई मैक्सिमम इक्वल, यहाँ पर एन एन के साथ कैंसिल होगा तो बराबर हो जाएगा एम इंटू ई अपॉन टू आर, ये होता है आई मैक्सिमम के लिए फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए बहुत से फार्मूले डिराइव हुए अधिकतम धारा के लिए,
ये इनके पदों में, ये इनके पदों में अधिकतम धारा का सर। तो ओवरऑल ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये बहुत सपोर्टिंग टॉपिक है, इससे बहुत से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। मैं जब न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा तो आप ध्यान रखना, ये सब कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आज का जो हमारा वीडियो का सेशन था, धारा विद्युत का फोर्थ पार्ट था, और यहाँ पर हमारा धारा विद्युत का 100% सिलेबस कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसको आपको सीधा न्यूमेरिकल्स पर लेके जाएंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, आप उसके नोट्स बनाइए और अगेन एंड अगेन आप उसको रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू।